अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरान अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, हम इनको क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने आगे अभी टॉपिक जो डिस्कस करने हैं इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उनको जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इसका मेजर रोल होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड का या वीक फील्ड का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर जो पेयर अप होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अंदर वो पेयर अप होंगे या नहीं होंगे या अनपेयर रहेंगे। मतलब अगर पेयर अप हो जाएंगे तो फिर मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर पेयर अप नहीं होंगे अनपेयर ही रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे अभी आगे VBT के अंदर और CFT के अंदर, ठीक है जी। और उनकी ज्योमेट्रीज पर भी फिर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या जो वीक फील्ड है इनको आसानी से याद कर सकेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास सबसे पहले आप क्या करें कि पीरियड आपको याद होना चाहिए कि कार्बन के बाद क्या आता है, ठीक है जी। क्या चीज़? कार्बन। और कार्बन के बाद क्या आता है हमारे पास? कार्बन जो है वो 6 है, और फिर कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन 7, और फिर क्या आता है? ऑक्सीजन 8, और उसके बाद क्या आता है? फ्लोरीन 9, ठीक है जी। अब कार्बन के नीचे क्या होता है इसको छोड़ दें, नाइट्रोजन के नीचे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? फास्फोरस, ठीक है जी, 15, फिर उसके बाद सल्फर 16, और इसके नीचे क्या होता है? क्लोरीन 17, देन उसके बाद यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बस ये जो हैं ज़्यादातर जो है वो क्या होते हैं? डायरेक्ट अटैच होते हैं किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं, और इन्हीं को हम इन्हीं की बेस पर क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड हम क्लासिफाई करते हैं कि वो जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा, इन्हीं की बेस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है जी, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन से है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और बाकी जो हैलोजन सारी, ठीक है जी, और सल्फर और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है जी, सॉरी, हाँ जी, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, और ये जो है हमारे पास कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, उस ग्रुप के अंदर अगर जो कार्बन है वो क्या कर रहा हो? डोनेट कर रहा होगा, या नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, या फास्फोरस डोनेट कर रहा है, तो जो डायरेक्टली अटैच है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ CO की, किसकी बात करता हूँ? CO की। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर हम देखें तो अगर कार्बन जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है? अटैच है, ये अगर लोन पेयर दे रहा है या ये प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ठीक है जी। अमूमी तौर पर होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर हम बात करें तो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो ये अमूमी तौर पर ज़्यादा देता है, ठीक है जी। तो अगर ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन हमने किस फैमिली के अंदर देखा है? वीक फील्ड के अंदर। तो अगर ऑक्सीजन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो वो कौन सा होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा, और अगर कार्बन को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात? तो इसी तरीके से अगर हम देखें हैलोजन्स जो है वो अकेले ही आते हैं, मतलब हैलोजन्स जो है वो सेंट्रल एटम के साथ क्या होते हैं? अकेले अटैच होते हैं, और वो क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है जी। अब वीक फील्ड होंगे, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ OH की, किसकी बात करता हूँ?
अब यहाँ पर मैं एग्जांपल इसकी लिखता जाता हूँ साथ, फॉर एग्जांपल ये तो सारे वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, ओ एच आ सकता है, ठीक है जी, और इसकी जो एग्जांपल है एस सी एन आ सकता है, और ज़्यादातर यही एग्जांपल्स होती है, ओ एच होता है, एस सी एन होता है, और ज़्यादातर बाकी क्या होते हैं, हेलोजेंस मौजूद होते हैं, फ्लोरीन फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड या आयोडाइड, ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होंगे, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा और ये एस के साथ सल्फर के साथ जुड़ा होगा, ठीक है जी। तो जब ये जुड़े होंगे तो वो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, और हम वो डिस्कस करते हैं अभी कि वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड से क्या असर पड़ेगा मैग्नेटिक बिहेवियर पर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास सी से मतलब कार्बन से कौन कौन सी एग्जांपल बन सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी जो हमने बात की है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, तो पहली एग्जांपल ये होगी है कि कार्बन के साथ जुड़ जाए, ठीक है जी, और सी एन मतलब सी के साथ जब जुड़ जाए, या दूसरा हम नाइट्रोजन के साथ भी जोड़ सकते हैं, सी एन या एन सी भी कह सकते हैं इसको, एन सी लिख देते हैं इसको आपके समझने के लिए, ठीक है जी, तो एन सी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। देन उसके बाद अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो है पी एच थ्री, ठीक है जी, तो ये जब जुड़ेगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है जी। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर जो है एक जिक्र रह गया है, वो किसका था, हम अगर बात करें किसकी, ऑक्सलेट आयन की, ऑक्सलेट क्या था कि सी सी और यहाँ पर डबल ओ, और डबल ओ यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ऑक्सीजन, ठीक है जी। जब ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं मतलब क्या है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्लियर हो जाएगी बात। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, मतलब आपने क्या करना है कि शुरू से लिखना है आपने कि कार्बन 6, 7, 8, 9 और फास्फोरस 15 नाइट्रोजन के नीचे, और सल्फर क्या है ऑक्सीजन के नीचे 16, और फ्लोरीन वाला जो है वो पूरी सीरीज लिख लेनी है, जो हैलोजेंस वाली सीरीज है वो पूरी लिख लेनी है, ठीक है जी। तो आप आपने करना क्या है कि पहले दो इसके अंदर और इसमें नीचे वाला एक, ठीक है जी, ये मिलके क्या बना देंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये वाले जो सारे होंगे वो क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर जो है ई डी टी ए, ठीक है जी, कौन सी एग्जांपल आ सकती है, ए डी टी ए। अब ए डी टी ए के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, मतलब जो अमाइन ग्रुप होता है या अमाइनो ग्रुप होता है वो क्या करता है, या ई एन की बात कर लें, या और भी बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं जिसके अंदर क्या होता है, जब नाइट्रोजन फास्फोरस या कार्बन जो क्या करेगा, डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होगा या उसको लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, क्लियर हो जाएगी बात। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से होते हैं और वीक फील्ड कौन से होते हैं, ये आसानी से ट्रिक है जिसके आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एफ ई की। अब एफ ई क्या है, 26 है, और आखिरी में डी के अंदर कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है जी। पहले आपने एक एक फिल करना है, देन उसके बाद दूसरा वो आपने रूल्स पढ़ रखे होंगे, अफबा हुंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन, तो उसके मुताबिक ही फिल कर रहे हैं सबको, ठीक है जी। तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, देन उसके बाद क्या किया है, डबल कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, क्या आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फॉर एग्जांपल क्या आ जाता है, सी ओ आ जाता है जिसके अंदर कार्बन है हमारे पास डायरेक्टली बाउंड है, या सी एन आ जाता है, एन सी आ जाता है, या ये आ जाता है, ई डी डी आ जाता है, या कोई और आ जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या कर देगा, धकेल देगा, ठीक है जी। अब धकेलने से होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3, 4, 5 हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब ये क्या होंगे कि इसके अंदर ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब ये पीछे चले जाएंगे,
अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये सिंगल थे, अब क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे दो दो करके, ठीक है जी। तो ये जो है ओवरलैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। अब जिसकी वजह से, अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड ने क्या किया, पेयर अप कर दिया। पेयर अप होने की वजह से अब यहाँ पर जो करैक्टर बनेगा वो कौन सा होगा, पहली बात जो करैक्टर होगा वो कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर हो जाएगी बात। अब डायमैग्नेटिक होने के साथ साथ, अब डायमैग्नेटिक हो गया है, देन उसके बाद क्या होगा कि इसका जो, अगर ये कम्प्लेक्स की बात करें कि ये आउटर कम्प्लेक्स होगा या इनर कम्प्लेक्स होगा, तो आउटर और इनर कम्प्लेक्स में फ़र्क क्या होता है कि अगर हम इनर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज़ कर रहा है वो अगर कम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो वो इनर कम्प्लेक्स होगा, और अगर वो बाहर वाले कम्प्लेक्स, मतलब बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स, अब यहाँ पर अगर वीक फील्ड होता तो क्या होता कि यहाँ पर पेयर अप नहीं होते और यहाँ पर जो है वो बॉन्डिंग नहीं बना सकता था, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर को डोनेट करना है ना, ठीक है जी। जो भी आएगा लिगेंड वो क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। अब लोन पेयर जो है हमेशा किसके अंदर आएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। इस बात को आप जहन के अंदर बिठा लें कि जब भी कोवलेंट, जो सिंपल कोवलेंट बांड है वो बनता है, उसके अंदर जो कंडीशन क्या होती है कि हाफ हाफ, मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है जी, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बन सकता। क्लियर हो जाएगी बात कि सिंपल कोवलेंट बांड के लिए क्या है कि हाफ फील्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड के लिए, या जिस तरह ये जो कम्प्लेक्स बनते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है कि एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरा एम्प्टी होना चाहिए। अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है या दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर वीक फील्ड आ जाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बॉन्डिंग नहीं बनाएगा और आगे वाले जो एस पी और डी वाले जो है वो यूज़ होंगे। अब आगे वाला डी, अगर बाहर वाला डी यूज़ हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो आउटर कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा होगा, इनर कॉम्प्लेक्स। अब इनर कॉम्प्लेक्स बन गया है और डायमैग्नेटिक बन गया है, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हो सकती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो कम्प्लेक्स होगा ये कौन सा होगा, अब यहाँ पर जो है वो स्पिन मूवमेंट क्या हो चुकी है, एक दूसरे से कैंसिल हो रही है। यहाँ पर अगर वैसे रहते, मतलब पेयर अप नहीं होते वीक फील्ड की केस में, अगर यहाँ पर पेयर अप नहीं होते तो ये भी इस स्पिन में है, ये भी स्पिन में है, ये भी स्पिन में है और ये भी इस स्पिन में है, जिसकी वजह से क्या होता कि स्पिन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता, सारे एक ही सिमत में थे। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को और ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, लो स्पिन कम्प्लेक्स। क्लियर हो जाएगी बात। जब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो स्पिन मूवमेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको हम क्या कहेंगे, लो स्पिन कम्प्लेक्स कहेंगे। और अगर जो है वो कम्प्लेक्स, मतलब अगर वो वीक फील्ड आ जाता है, वीक फील्ड की वजह से क्या होता है कि पेयर अप नहीं होते, जिसकी वजह से स्पिन मूवमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, एड अप होता रहेगा, और जिसकी वजह से वो कौन सा कम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कम्प्लेक्स बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी, आप इसको आसानी से मतलब याद कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है वीबीटी के। वीबीटी के अंदर जो कोई भी हमारे पास कंपाउंड आ जाता है, तो कोई भी कम्प्लेक्स आ जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको हम कहते हैं, तो उसका हम कैसे लिखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ उसकी कैसे बता सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स होंगी, वो भी आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।